अंदर मिल जाएगा ना, अंदर मिल जाएगा ना। यह है गोल्डन टेम्पल के बाहर का व्यू। सारा मार्केट है ये। ये सामने है अपना गोल्डन टेम्पल। यही कुआं है, अब इसको घेर के बंद कर दिया गया है। यही कुआं है जिसमें जान बचाने के लिए लोगों ने सारे जो ग्राउंड में थे, इस पार्क में थे, कूद गए थे बहुत सारे लोग। अब इसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। सारे गोलियों के निशान है, बुलेट मार्क्स जो व्हाइट स्क्वायर में है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज रेडी हो चुका हूँ, 6:30 बज चुके हैं, निधि रेडी हो रही है, जल्दी से बाकी सारे रेडी हो गए हैं। और यहाँ से पहला जो अपना डेस्टिनेशन है गोल्डन टेम्पल है। तो सुबह सुबह 6:30 बजे हम लोग, मतलब 7 बजे तक निकल जाएंगे गोल्डन टेम्पल, और जल्दी जल्दी जाएंगे। रात में बहुत अच्छी नींद आई, ड्राइव किया, इतना जल्दी ड्राइव किया हूँ ना, अभी 2 दिन में तो 800-900 किलोमीटर 800 के आसपास पहुँच चुका हूँ। देखना कितना चला है 2 दिन में गाड़ी, ऊपर से ट्रक मतलब चल भी रहा हूँ और पहाड़ों को भी चला, इस जगह चला और यहाँ भी अब चलने की तैयारी में। आज 2-3 डेस्टिनेशन कवर करना है, चलते हैं, लेट्स गो। वेटिंग करते हैं, 5-10 मिनट में निकल जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। अंदर मिल जाएगा ना, अंदर मिल जाएगा ना। यह है गोल्डन टेम्पल के बाहर का व्यू। सारा मार्केट है ये। वही सामने, वही तो है, वो सामने ही तो है गोल्डन टेम्पल, वही तो है। आइयो ना पहले तुम, पंजाबी जूती। देखो गोल्डन का बना हुआ ऊपर जो है, गोल्डन का है। अभी अंदर चलेंगे। ये सामने है अपना गोल्डन टेम्पल। तो फाइनली हम लोग गोल्डन टेम्पल का टूर हो गया, और चलते हैं यहाँ से बाहर। मतलब तो 7 बजे आए थे, ऑलमोस्ट 9:45 हो गए, तो लगभग लगभग 3 घंटा लग गया। इतना जल्दी आने के बाद भी ये सारा मार्केट है सामने का। ये रहा सामने गोल्डन टेम्पल, और ये सारा ये मार्केट है। ऑलमोस्ट काफ़ी गर्मी है, 7:30 बज चुके हैं और काफ़ी गर्मी है। यहाँ से देखते हैं आगे कहाँ चलते हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ शॉपिंग में घुस रहे हैं सारे के सारे। तो चलते हैं, देखते हैं सामने क्या क्या है। और तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जलियांवाला बाग में, चलते हैं इसके अंदर। जलियांवाला बाग, जाली स्मारक। Is it
बच्चा इकट्ठा हुए पार्क में मीटिंग कर रहे थे फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं जालियांवाला बाग के अंदर। जालियांवाला बाग स्मारक, ये पूरा जालियांवाला बाग है। दिस इज द गैलरी जालियांवाला बाग का। सारे के सारे भाग गए। इसी पार्क में घेर के मारा गया था सारे खाते थे। रास्ता एक ही था आने जाने का, छोटा सा जो स्टार्टिंग में था, चारों तरफ से घेर के मार दिया गया था। गोली चलाई गई थी। गैलरी टू क्या इसके अंदर कष्टदायक युद्ध को ट्रायल ऑन। It was the darkest night that our heads had ever seen. For more than 24 hours, the engine lay unattended, without water or any air. This is shown here. कैसे वहां पे दिखाया गया है, कैसे गोली चला रहे थे। ठीक है उसका मैंने उसका ये सारा दिखाया गया है ना, ये सारा दिखाया गया कैसे घेर के वो कुआं है शायद, और दिखाया गया कैसे गोली चलाया था दोनों तरफ से। चलो यहाँ ये सब तो अब बना दिया ना, पहले तो ग्राउंड ही था खाली खाली। हाँ We will plant the flag of independence. बारा देखा है तूने आसमां कहीं का सोला और देखा हिंदुस्तान कहीं। जफर अली हाँ हाँ वो सामने वही कुआं जिसमें कूद गए थे सब जान बचाने के लिए। कृपया कुएं के अंदर पैसे मत डालें, कुआं है यही। दिख नहीं रहा, दिख रहा दिख रहा दिख रहा यहाँ पे अभी लाशें थोड़ी पड़ी होंगी। यही नॉर्मली दिख नहीं रहा मेरे को, लाशें नहीं दिख रही, अंदर का पता नहीं चल रहा। भारी है बहुत हल्का। यही वो कुआं है, अब इसको घेर के बंद कर दिया गया है। यही वो कुआं है जिसमें जान बचाने के लिए लोगों ने सारे जो ग्राउंड में थे इस पार्क में थे कूद गए थे बहुत सारे लोग। अब इसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। सारे गोलियों के निशान है, बुलेट मार्क्स जो व्हाइट स्क्वायर में है।
सारे बुलेट मार्क्स हैं। यही था एक कुआं और पीछे जो था बुलेट मार्क्स थे दीवार पे, जो उस समय जालीवार कांड हुआ था उस चीज की निशानी है। और यही पार्क है वो। चले इधर चले, क्या इधर क्या चले? मैंने तो बूढ़ा हो गया, कोई नहीं, घूमते हुए आ जाएंगे ना। वो क्या है, वो क्या बता जरा, किस चीज का है? हाँ तो चलो, जो जो यहाँ पे शहीद हुए थे उनका जगह है, इतने दूर से देख के जाएंगे सब कुछ। उधर क्यों भीड़ लगा हुआ है? उधर क्या है? वहाँ से एग्जिट है, पानी वानी लिखा हुआ कहीं नहीं कुछ, बस यहीं से मिल जाते हैं। इधर से एग्जिट है। आ रहे आ रहे, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। ये मॉन्यूमेंट है, देखते कहीं कुछ लिखा हो तो बताने की कोशिश करता हूँ। ये सामने वाले वॉल पे भी, ये क्या मंदिर बना हुआ है पार्क में? मंदिर है क्या, देखते हैं ना। बाद में स्मारक टाइप का बनाया होगा। हाँ हो सकता है, या पहले से बना होगा तो ऐसे ही बना होगा पार्क उर्क में। और ये दीवार है ना जिसपे गोलियां लगी थी। हाँ देखो नीचे भी ऐसे बना दिया है, नीचे भी देखो, ये नीचे भी है पूरा गोलियों का निशान, मतलब और भी नीचे था ये पार्क। यहाँ नीचे भी गोलियों का निशान। ये सारे दीवार हैं, ये थर्ड दीवार है जिसपे बुलेट मार्क्स हैं, आज भी हैं। सेल्वेशन ग्राउंड, तो ये था अपना जालियांवाला बाग। अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि सारे लोग आगे भाग चुके हैं, रुकने का कोई नहीं। यही है जालियांवाला बाग, शायद एग्जिट बाद में बनाया गया, उस समय नहीं था, उस समय जो हम फर्स्ट आए थे वही था एंट्री और एग्जिट उस पार्क का। अब यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं सारा घूम घूम के, अब एक दो घंटे रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे जालियांवाला बाग में। आज गोल्डन टेम्पल, सॉरी इसके बाद निकलेंगे हम, घर आ चुके हैं अटारी बॉर्डर, बाघा तो बॉर्डर तो पाकिस्तान, बाघा तो पाकिस्तान में अटारी बॉर्डर पे हम जाएंगे। यहाँ से जो लगभग लगभग 30 किलोमीटर है, एक घंटा लगेगा। पास हमने कल ही बुक कर लिया था सीटिंग का, अभी चलते हैं वहाँ। धूप तो काफी गर्मी, मतलब सुबह 7 बजे से लेके हम 11:30 बजे तक घूमे, 12 बजे तक घूम लिए। और हम लोग जो गोल्डन टेम्पल है उसी के पास पास में ही है। तो हाँ एक चीज और बता दूँ, गोल्डन टेम्पल के पास में 1500 में रूम, अच्छे रूम मिल जाते हैं और ज्यादा वॉकिंग डिस्टेंस होता है। कोई बोलता है कोई रिक्शा करने की जरूरत नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस मैप से रहा गोल्डन टेम्पल और जालियांवाला बाग देख के आ जाओगे। ये दो जगह हम घूम चुके हैं, अब जा रहे हैं अटारी बॉर्डर। बाघा बॉर्डर पाकिस्तान में है, अटारी बॉर्डर इंडिया का है, अटारी गांव इंडिया में है, बाघा उस तरफ है जो पाकिस्तान में है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि है अटारी बॉर्डर। सो बाय बाय, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। डिटेल दे दूंगा कैसे, मतलब वीडियो में एक डिटेल दे दूंगा आपको कि कैसे आना है अमृतसर आप अगर आते हो। हाँ एक डिटेल मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे गोल्डन टेम्पल और जालियांवाला बाग में जाके आपको करना है सारा चीज। जैसे आप स्टेशन से आने के बाद नियर बाय आप होटल देख लो, गोल्डन टेम्पल सर्च लगा लो मैप में आके, गोल्डन टेम्पल के पास आ जाओ नियर बाय। यहाँ आके भी अगर देखोगे ना या ऑनलाइन भी देखोगे बात बराबर, या ऑफलाइन देखो या ऑनलाइन देखो,
तो नियर बाय गोल्डन टेम्पल के आपको 500-600 मीटर के आसपास में रूम मिल जाएगा, एसी रूम अच्छे में। ये मॉडल रूम है, मतलब 7 कह लो, एक बाथरूम इधर हो गया, बालकनी नहीं है इसमें, और नियर बाय है, मतलब 600-700 मीटर दूरी पे गोल्डन टेम्पल और जालियांवाला बाग दोनों आसपास ही है, ठीक है। और ऑनलाइन फ्री में टिकट बुक कर लो बाघा बॉर्डर का। ये है यहाँ का, अभी पहले ये दो चीजें हो चुकी हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि है अटारी बॉर्डर का। जब अटारी बॉर्डर के लिए चलेंगे तो स्टार्ट करेंगे वीडियो।